कि आपने बहुत मेहनत करनी है, ये जस्ट ये वर्कशॉप नहीं है और जस्ट ये इंफॉर्मेशन का जो एक्ट बना है ये सिर्फ ये ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं बना है। या कई कई ऐसा भी होता है, कभी आपने आज इंफॉर्मेशन मांगी और फिर 10 दिन के बाद आपने समझौता किया। कई मिसालें मेरे सामने ऐसी हैं जिस ऑफिसर के बारे में आज आप बुरा भला कहते हैं तो 10 दिन के बाद कहते हैं कि ये बहुत ही ईमानदार आदमी है, सर्टिफिकेट देते हैं। बड़ा कठिन मसला है ये, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक ग्रुप, मतलब आप यहाँ जो बैठे हैं, ये एक मैं इसको इबादत का दर्जा समझता हूँ, एतिकाद के मुताबिक जो लफ्ज़ है, यानी ये अच्छा काम है। इसमें आपको मुआवजा क्या, मुआवजा ये है कि आपको ज़मीर की तशफी हो सकती है, आप एक अच्छे शहरी होने के फ़राइज़ निभाते हैं, मुआवजा तो यही है। सोसाइटी के लिए भी कुछ करो, अपने लिए जियो लेकिन सोसाइटी के लिए भी कुछ करो, ये एक सोसाइटी के लिए खदमत है। अगर आप तो पढ़े लिखे हैं, वो लोग जो बिल्कुल जिनको मालूम ही नहीं है, उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा होता है अफवाह, हताज करोड़ों बद रुपये हजार तिशन पथी कम क्यों, ये आम बात, सिस्टम पर भरोसा ही नहीं रहा। और इससे फिर आपकी ग्रीवेंस, आवाम की ग्रीवेंस, गरीबों की ग्रीवेंस, वो शिकायत का इजाला नहीं होता जनरलाइज करने से। और इसीलिए जब आप ये काम कर लेंगे, और करना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि हर इलाके में एक्टिविस्टों का ग्रुप बने, एक्टिव एक्टिविस्टों का, और जो अपनी जगह पर भी रख लें, अगर आपको कंप्यूटर चाहिए वगैरह, इंडिविजुअल नहीं उन ग्रुप्स के लिए, वो हम कर लेंगे, प्लीज़ डू दैट। और उसमें अगर आपको कहीं पर रुकावटें आ जाती हैं, मैं यहाँ हूँ आपके साथ साथ, एक साथ मिलकर कोशिश कर लेंगे ताकि रुकावटें दूर हो जाए। मेक इट ए मोमेंट। देखिए आप पढ़े लिखे हैं, गरीब लोगों को कहाँ पता है, और कश्मीर में सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी अगर आप मुझे कहेंगे, अनसर्टनिटी की वजह सबसे बड़ी यही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना इंसाफियाँ बहुत ज़्यादा है, और कभी कौमी मफाद के नाम पर, कभी ऑफिशियल सिक्रेसी के नाम पर अर्दादारी की गई है गुनाहों की, जिसका नतीजा है कि आम लोगों का विश्वास भरोसा इदारों पर सिस्टम पर बड़ा नहीं। तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं ताकि लोगों का विश्वास बड़े इदारों पर, और विश्वास बढ़ेगा इदारों पर तब जब वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जब वो खुले तरीके से काम कर लेंगे, राजदारी नहीं। राजदारी किस चीज़ की, हम क्या करते हैं वो बताओ लोगों को, और उसमें अगर आप थोड़ा सा इरादा कर लेंगे, इरादा कर लेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन जिनकी वसातत से ये वर्कशॉप है ये आपके साथ रहेंगे, और मैं एक इस इलाके का रहने वाला भी नुमाइंदा होने की हैसियत से भी, ऑल ऑफ अस टुगेदर वी शैल मेक ए डिफरेंस हियर, एक फ़र्क पैदा कर लेंगे यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में, अगर ये रिजॉल्व आप कर लेंगे खाना खाने से पहले, ताकि मुझे भी खाना हजम हो जाए और आपको भी। ठीक है ना, थैंक यू।